ये मैं हूँ, ये कृष्णा भैया हैं। अभी हम लोग ट्रेन पर हैं और ये पहाड़ी हो रही है। और हम लोग अभी खाते हुए ट्रेन पर कचरा पाड़ा जा रहे हैं। ये कृष्णा भैया अभी लेके आए थे। क्या क्या था? प्रसाद नहीं, वो आलू भर के रोटी और मिठाई उसके साथ। और ये मिठाई हाँ, ये सब ट्रेन में मिला है। और इधर कृष्णा भैया दो दो बैग लेके जाते हुए। फिलहाल एक बैग मेरा नीचे है और इधर देख सकते हैं ये ट्रेन क्या हो रहा। अरे खाइए ना, खाया पिया ही तो बात है। और अभी मैं जा रहा हूँ ये विवेक के पास देखने के लिए कि वो आखिर कर क्या रहा है। थोड़ा देर पहले उन्होंने कॉल किया था खाने के लिए, मैं एक बार देख के आता हूँ वो कर क्या रहा है। डॉक्टर हूँ, आखिर वो कर क्या रहा है। ये रहा है एक लड़का और एक ये कीजिए। हेलो हेलो। और ये लड़का मणिकांत जी वो बच्चा। हेलो 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 हेलो। इधर कहाँ गए हम लोग एक साथ? आ गए। हाँ मणिकांत जी, हेलो, कैसा लग रहा है आपको बिना टिकट का ट्रेन पे सफर करके? कुछ बोलिए। ये हमारे दोस्त मणिकांत जी अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि ये अभी टिकट नहीं लिए। विदाउट टिकट सफर करते हुए। हाँ, विदाउट टिकट सफर करते हुए अभी अभी ट्रेन के पास आए थे। अरे इधर देखिए, शर्माइए मत, कोई बात नहीं, मानते आप रेलवे उपलाय बिना टिकट का चढ़ सकते हैं। क्या तो अभी हम लोग पहुंचे ये बरहरवा स्टेशन। ये हमारी ट्रेन गया हावड़ा एक्सप्रेस, ये कोच संख्या S3। फिलहाल बड़रवा स्टेशन में 9:17 पे टाइम थी और अभी हो रहे हैं 9:07, जो कि टाइम से लगभग 10 मिनट पहले यहाँ पहुँच चुकी है ट्रेन। और इसके खुलने में अभी 9:22 में, अभी 9:07 हो रहे हैं, तो अभी खुलने में लगभग 10 से 15 मिनट है। देख सकते हैं बड़रवा स्टेशन। अभी मैं ब्रिज पर चढ़ के दिखाता हूँ। ब्रिज, सॉरी, ब्रिज बंद है। ये हमारे विवेक जी। और विवेक जी
हेलो कीजिए हेलो। अभी रात के बज रहे हैं 10:25 और लगभग सब कोई ट्रेन में सो चुके हैं। मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में 2:45 में हमारा स्टेशन ये बैंडल में हम लोगों को उतरना है। बैंडल में उतर के फिर नेहाटी के लिए ट्रेन पकड़ना होगा और ट्रेन पकड़ के उसके बाद फिर हम लोगों को बजरपाड़ा जाना है। तो फिलहाल इधर कृष्णा भैया का भी आप देख सकते हैं, कृष्णा भैया भी सो गए हैं। इन्होंने कहा था कि इनको ट्रेन पर नींद नहीं आती लेकिन ये सबसे पहले सोए हुए हैं। अभी 2:00 और हम लोग 2:30 पे ये बैंडल स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो अब लोगों को बैंडल में उतर के नेहाटी के लिए कोई दूसरी ट्रेन देखनी होगी और उसके बाद फिर नेहाटी से कचरपाड़ा। अभी 2:20 हो रहे हैं और अभी देख सकते हैं कैसे हम लोगों के तीनों फ्रेंड ये मणिकांत जी और विवेक जी कृष्णा भैया तीनों जग चुके हैं और तीनों बैठे हुए वेट कर रहे हैं। ये मणिकांत जी और ये हमारे विवेक जी, ऐसा लग रहा है अभी सोए हुए। नींद पूरा हुआ नहीं हुआ? बेबर रूम जाके नींद पूरा कीजिएगा। ये हमारा लगेज और सामान क्या, और इधर देख सकते हैं पूरा ट्रेन अभी भी सोया हुआ है। लोग इधर सिर्फ 4 लड़के उतरने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है बस 5-10 में बैंडल स्टेशन पहुँचने ही वाली होगी ट्रेन। फाइनली अभी हम लोग बैंडल स्टेशन में उतर चुके हैं। एक घंटा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है मतलब कि ट्रेन अभी नहीं मिल रही कहीं भी। जो भी ट्रेन टाइम पर थी वो अभी लेट है बैंडल से नेहाटी के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन थी वो। अभी 2:35 हो रहे हैं और अभी डायरेक्ट ट्रेन है 3:30 में, तो यानी हम लोगों को अभी यहाँ बैंडल स्टेशन पर 1 घंटा का वेट करना पड़ेगा। अभी वेट करते हुए हम लोगों का 3:00 यहाँ बैंडल स्टेशन पर और ट्रेन का टाइमिंग अभी भी 3:30 पर है। इसके पहले जो भी 1-2 ट्रेन थी वो अभी लेट है जिस वजह से हम लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है, नहीं तो आते के साथ हम लोगों को ट्रेन मिल जाती और उसके बाद हम लोग नेहाटी जा सकते थे। तो फिलहाल अभी 30 और भी वेट करना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं हमारे कृष्णा भैया फिलहाल स्टेशन पर दुनिया भर का मच्छर मारते हुए। मारिए कृष्णा भैया मच्छर, हाँ इतना मच्छर है फिलहाल कैमरे में दिख नहीं रहे मच्छर पर ये लोग मच्छर से परेशान होते हुए। तो मणिकांत का सबसे ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा सोया है ये। एक लड़का मच्छर के डर से उधर है हमारे विवेक जी। क्या विवेक जी मच्छर से डर के इधर बैठेगा? अच्छा इस तरफ मच्छर नहीं है, आप दोनों भी इधर आ सकते हैं। ग्रुप है अलग है। अच्छा ब्लड ग्रुप अलग है, ये भी हो सकता है। और ये स्टेशन, ये तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी हम लोग वेट करते हुए ट्रेन का। एंड फाइनली 3:30 और ये हमारी ट्रेन आते हुए तैयार, हम लोग चढ़ने के लिए तैयार है बिल्कुल ट्रेन पर। और ये हमारी ट्रेन ये सियालदा माला टाउन गौड़ एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोगों को सिर्फ एक स्टॉपेज जाना है। अरे यार बंद है सारा क्या? हम लोग अभी नैहाटी स्टेशन में और अभी ट्रेन 4:10 में कचरापाड़ा के लिए EMU वाली ट्रेन है ये नैहाटी से कल्याणी के लिए। ट्रेन हम लोग का खुलने ही वाली है। ये हम लोगों का साथी 1, 2, 3 कचरा पड़ा की और प्रस्थान करते हुए। अभी ट्रेन हो गई चालू और ये जा रही है कचरा पड़ा की और नैहाटी स्टेशन से। हाँ गलती से सबसे आगे वाला कोच में चढ़ गया। बस क्या क्या कब पहुंचेगी? छोटा कोच ही होगा सर कल्याणी तक के लिए है ना। फाइनली हम लोग यहाँ आकर पहुँच चुके हैं। अभी जस्ट ट्रेन रुकने वाली है और हम लोग ट्रेन के सबसे आगे वाले कोच में थे, इस वजह से हम लोगों का ट्रेन बहुत ही शायद हो सकता है कि बहुत लास्ट में, इतना लास्ट के शायद मैं फर्स्ट टाइम इतना आगे आ रहा हूँ। हो जाएगा वेटिंग वाला है ना। और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं एक कचरा पड़ा। झोला क्यों बदल रहे? खाने का सामान उसमें ज़्यादा है क्या? सत्तर तो भरा हुआ होगा पूरा। तो कृष्णा भैया कैसा लग रहा है आपको ये कचरा पड़ा है फर्स्ट टाइम आके? ठीक मिला, खुशी मिला। तो देखिए कचरा पड़ा आपको कैसा लगेगा 2-3 दिन जाके। कचरा पड़ा का बाहर निकलने का मैं गेट यहाँ से और कृष्णा भैया थक भी गए क्या? थके भी क्या? क्योंकि वहाँ से तो ट्रेन पे यही थोड़ा सा चलना पड़ेगा या तो फिर डायरेक्ट ऑटो भी मिल सकती है, पर चलिए चलते हुए मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। और हमारे दो साहब इधर धीरे धीरे आते हुए, ये हमारे चलते हुए पाठी सपाटी कृष्णा भैया के नाम से कृष्णा नगर मेन हॉस्पिटल, रेलवे का मेन हॉस्पिटल।
क्या हम लोग अभी कचरापाड़ा स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और फिलहाल रूम की तरफ जा रहे हैं, तो शायद यहाँ पहाड़ में अभी टोटो होना चाहिए। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कचरापाड़ा, और यहाँ की गर्मी फिलहाल हम लोगों को पंखे में थोड़ा देर आराम करना चाहिए। ये देखिए ऊपर फैन, और ये मेरे किसान भैया थोड़ा, और आज हम लोगों का ड्यूटी भी है, सो थोड़ा देर रेस्ट करके उसके बाद फिर रेडी होके हम लोगों को लगभग 9 बजे तक फिर ड्यूटी के लिए निकलना होगा।